छोटे से गांव में एक किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था उसका जीवन खेती पर ही निर्भर था और उसकी मेहनत की वजह से उसका खेत हरा भरा रहता था एक बार में भयंकर बाढ़ आई जिसने कई खेतों और घरों को नष्ट कर दिया रमेश का खेत भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा रमेश बहुत निराश हो गया लेकिन उसने हार नहीं मानी गांव के कुछ लोगों ने रमेश की मदद करने का सोचा उन्होंने अपने बचाए हुए अनाज का कुछ हिस्सा रमेश को दिया ताकि वो और उसका परिवार भूखा न रहे रमेश ने उनकी इस मदद के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और वादा किया कि वह इस मदद को कभी नहीं भूलेगा कुछ महीनों बाद रमेश ने अपने खेत को फिर से तैयार किया और मेहनत करने लगा उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और उसकी फसलें फिर से लहलहा उठी इस बार फसलें पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई जब फसल कटाई का समय आया तो रमेश ने सोचा कि अब उसे उन लोगों का आभार चुकाना चाहिए जिन्होंने उसकी मदद की थी उसने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों में बांट दिया जिन्होंने बाढ़ के समय उसकी मदद की थी गाँव के लोग रमेश की उदारता और आभार देखकर बहुत खुश हुए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आभार व्यक्त करना और मदद के समय दूसरों की सहायता करना हमारे जीवन को सुंदर और सामर्थ्यपूर्ण बनाता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने दिलों में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं